जी अच्छा, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जीपी ओबी है क्या। जीपी ओबी एक्चुअली ये है कि कुछ वेबसाइट्स जो पहले से रैंक हैं गूगल के पेज पर, वो ये करती हैं कि कुछ छोटी वेबसाइट्स को एज अ रेफरेंस अपने वेबसाइट पे उनका आर्टिकल या उनका कंटेंट जो है वो पोस्ट करती हैं, जिससे उनकी ट्रैफिक में इजाफा होता है, उनके डोमेन अथॉरिटी में, उनके डोमेन रेटिंग में इजाफा होता है, जो छोटी वेबसाइट जिसका रेफरेंस उन्होंने लगाया होता है। अच्छा, ये काम होता कैसे है? वो इस तरह होता है कि कुछ बड़ी वेबसाइट्स को छोटी वेबसाइट अपना आर्टिकल देती हैं, वो उसको अपनी वेबसाइट पे, बड़ी वेबसाइट जो है वो पोस्ट करती है, ठीक है। जब वो उसको पोस्ट करती है, उसमें एक छोटी वेबसाइट का किसी वर्ड पर, किसी भी चीज पर अपना लिंक दे देती है छोटी वेबसाइट का। जब वो लिंक दे देती है, तो जब वो उस लिंक पर क्लिक करती है, जब उनके विजिटर्स आते हैं, ब्लॉग पढ़े होते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं, तो वो ट्रैफिक जो है वो छोटी वेबसाइट के ऊपर डाइवर्ट हो जाती है। तो इस तरह से जब लाखों लोग किसी बड़ी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो वो वहां से डाइवर्ट होकर हजारों की तादाद जो है वो छोटी वेबसाइट पे जाती है। तो गूगल ये समझता है कि यार, अगर इतनी बड़ी वेबसाइट एक छोटी वेबसाइट का लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस छोटी वेबसाइट के पास कोई अच्छा कंटेंट है, इस छोटी वेबसाइट के पास जो है वो कोई ऐसी पावर है जो उसको, जो बड़ी वेबसाइट जो है उसको कह लें कि मान रही है, उसको प्रूफ कर रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है। तो इस वजह से बड़ी वेबसाइट का वोट जो है वो छोटी वेबसाइट को मिलता है। जब वोट मिलता है, तो गूगल वोटिंग के बिना पर उस छोटी वेबसाइट को रैंक करना शुरू कर देती है। तो ये एक छोटी सी समरी होगी हमारे लास्ट लेक्चर की। आज हमारा लेक्चर ये है कि हम लोग इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से हमने इसको स्टार्ट करना है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ना हमारे पास कोई बड़ी वेबसाइट है जिस पर हम छोटी वेबसाइट का लिंक लगाएं और उनसे पैसे लें, ना ही हमारे पास ऐसी कोई छोटी वेबसाइट है जिसका हम लिंक किसी बड़ी वेबसाइट पे लगाएं और हमारी ट्रैफिक बढ़े और हम भी पैसे कमाना शुरू कर दें। तो अब यहाँ पर एक मसला आता है कि हम लोग इसको कैसे हल करें, हम लोग पैसे कैसे कमाएं। तो हम, मैंने कल भी लेक्चर में थोड़ा सा बयान किया था, थोड़ी सी वजाहत की थी कि हम लोग इससे ऐसे पैसे कमाते हैं कि हम बड़ी वेबसाइट्स के साथ डील कर लेते हैं, और डील ये करते हैं कि प्लीज प्लीज नहीं, हमें अलाउ करें, एक बिजनेस डील है कि हमें अलाउ करें। ये सिर्फ उसी तरह है कि आप कह लें कि एक बड़े मॉल, एक बड़ा मॉल है, वहां पर बहुत सारी शॉप्स हैं, और आप चाहते हैं कि उस शॉप्स में से मैं भी अर्निंग करूं। आप जाकर उस मॉल के साथ एक डील कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पर अपना कंटेंट लगाने दें, ठीक है। अब कंटेंट लगाने के लिए वो कहते हैं कि भाई ये इतना बड़ा मॉल है, इसके खर्चे हैं, हम आपको फ्री में यहाँ पर सेलिंग अलाउ नहीं कर सकते। वो हमसे कुछ पैसे डिमांड करते हैं। कुछ ऐसी जगह होती हैं वो फ्री में भी अलाउ कर देती हैं, ठीक है। तो जब वो फ्री में अलाउ कर देती हैं, तो वो तो हमारा बोनस है, हमें फ्री में जगह मिल गई, हम वहां पे सेल करें जो भी करें वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, अगर वो फ्री में नहीं देती तो वो हमसे कुछ पैसे चार्ज करेगी। जब वो पैसे चार्ज करती है, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा कह लें कि उसको कम करवाते हैं। विजय, बिल्कुल, जैसे कपड़े की दुकान है, हम उससे पैसे कम करवाने की कोशिश करते हैं। कैसे कम करवाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वो कहती है, वो वेबसाइट का ओनर कहता है कि भाई हम आपसे $30 चार्ज करेंगे एक पोस्ट लगाने का। हम कहते हैं कि भाई जान, हमारा इतना बजट नहीं है, बराए मेहरबानी थोड़ा कुछ हमारी फेवर करें, हम इससे कम बजट में लगाना चाहते हैं। वो कहते हैं जी $20 फॉर, कम किया उसने, 30 से 20 पर आया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने डीलिंग कैसे करनी है, ठीक है। वो 10 से 20 पे आया, तो फिर अब हम उनको कहेंगे भाई, भाई जान, हमारा बजट जो है वो $5 है, हम आपको $5 दे सकते हैं, अगर आप हमारी फेवर करें तो आने वाले दिनों में हम आपको मजीद कंटेंट देंगे, हमारे पास बल्क में ऑर्डर्स आएंगे, तो ये $5 जो है वो इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। तो अगर वो, तो अगर तो वो मान जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता तो हम लोग उसको नोट डाउन कर लेंगे, हमारी डील जितने में हुई वो हम नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम लोग कम अज कम, मैं 300 का फिगर बता रहा हूँ, ये एक अच्छा फिगर है। अगर आपके पास 300 वेबसाइट्स के साथ डील डन हो जाती है, तो आप अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। उम्मीद ये है कि आपसे कोई क्लाइंट भी जो है वो वापस
नहीं जाएगा, वो आपसे ऑर्डर कंप्लीट करके ही वापस जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब बात आती है कि हम लोग कैसे पता चलेगी कि ये वेबसाइट जो है वो गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती है। अच्छा, इस चीज को मैं आप लोग, हाँ मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि वेबसाइट कैसे तलाश करनी है। अब मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा सकूँ कि हम लोग कैसे जो है वो सॉरी ये आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मुझे बताइएगा आप लोगों को क्या नजर आ रहा है। कोई बच्चा भी अपने आप को अनम्यूट कर ले। जी शहजेब खान बताइएगा आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है। व्हाट्सएप नजर आ रहे हैं, क्रोम नजर आ रहा है, मुझे बताइएगा। ओके, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। अच्छा ये देखें, ये आप सबको नजर आ रहा है, राइट फॉर अस प्लस हेल्थ मैंने लिखा हुआ है। जी इजाज अली बोलिएगा, इजाज अली बोलिए चैट में। जी जी ओके, नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये लिखा है राइट फॉर अस प्लस हेल्थ, क्योंकि मैं हेल्थ की वेबसाइट ढूंढ रहा हूँ ऐसी जो हमें गेस्ट पोस्ट अलाउ करे। तो ये देखें, ये मेरे सामने क्या आया है, मैं इस लिंक को खोलता हूँ। ये देखें, अलाउ गेस्ट पोस्ट विद रेलिवेंट टॉपिक ऑफ विजिटर्स टू द वेबसाइट। ठीक है, ये क्या करती है, लिस्ट साइट अलाउ पेड सब कॉस्ट। ठीक है, ये सारी ऐसी वेबसाइट्स हमारे पास, ये इस पेज पर हमारे पास 10 रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। ये देखें नीचे तक, ये सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो हमें गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही है। ठीक है, हम लोग इन सारी वेबसाइट्स को विजिट करेंगे, इनका कॉन्टेक्ट अस पेज देखेंगे या इनका कोई ईमेल एड्रेस यहाँ पर अवेलेबल होगा कि हम इनसे कैसे राबता कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये हम ईमेल कॉपी करेंगे और इनको यहाँ से ईमेल करेंगे। अब वो ईमेल कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप लोग ये सीख लें कि हम लोग शीट कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैं गूगल शीट खोल रहा हूँ, आप लोग भी सिमिलर ऐसे ही गूगल शीट बनाएंगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। ये देखें, ये वेबसाइट, ये मैंने शीट बना ली, इसको मैं टाइटल दे रहा हूँ बैच 7 वेंडर शीट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डोमेन, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका DR जो होता है डोमेन रेटिंग, उसके बाद हम लिखेंगे डोमेन अथॉरिटी, उसके बाद हम लिखेंगे ट्रैफिक, उसके बाद हम लिखेंगे रेफरिंग डोमेन्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉन्टैक्ट मेथड, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये सी ने लिखा गया सॉरी ये, उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्राइस, और बेशक आप एक कॉलम और बना लें Asking price। ठीक है जी, अच्छा अब हम लोगों ने करना क्या है, शीट को तैयार कैसे करना है कि यहाँ पे जाएंगे इस शीट का, इस वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो कॉपी करेंगे, सिर्फ डोमेन नेम कॉपी करना है, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट,
अब ये DER कैसे करना है, DA कैसे करना है, ट्रैफिक कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ अभी, ठीक है। ये एक वेबसाइट होगी। अब हम लोगों ने इसका लिखना है कॉन्टैक्ट मेथड। कॉन्टैक्ट मेथड यहाँ पर ये अवेलेबल है, ये हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा मैं एक कॉलम भूल गया हूँ, वो यहाँ पे हमने लिखना है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इंसर्ट कॉलम। यहाँ पर हो गया कॉलम ऐड के नहीं, इंसर्ट कॉलम जी यहाँ पे, ये इसको हम इधर कर लेते हैं, सॉरी इसको उठा के इधर, यहाँ चलो ऐसे कर लेते, इसको इधर कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैटेगरी, ठीक है। ये हमारी कैटेगरी जो है हेल्थ और फिटनेस की है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे जी। मुझे अब बताइएगा आप लोगों को वो समझ आ रही है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ सकता है, चैट में पूछ लें, जैसे भी पूछना चाहें पूछ लें, किसी का कोई क्वेश्चन। ओके ठीक है। अच्छा जी ये हो गया, ये एक वेबसाइट हो गई, ठीक है। सिमिलरली हम लोग किसी और वेबसाइट को देखते हैं, ये देखें, ये दूसरी वेबसाइट आ गई हमारे पास, thehealthcare.com, ठीक है। इसका भी डोमेन नेम कॉपी किया, ठीक है, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये भी कैटेगरी हमारी सारी हेल्थ वाली चल रही है, तो हम सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। DRDA ट्रैफिक कैसे देखना है, रेफरिंग डोमेन कैसे देखनी है, वो मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। ये मैं आप लोगों को एक आपको मैंने एग्जांपल कर दिया है। अच्छा जी अब हमने इसका कॉन्टैक्ट पेज देखना है, हम इनको कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर कहीं लिखा होगा कॉन्टैक्ट अस, ये देखें सेंड अस, यू यस वी आर लुकिंग फॉर राइटर्स क्रॉस पोस्ट, ठीक है, सेंड देम। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये उनकी ईमेल आ गई है, ठीक है, ये ईमेल में ओपन हो जाती है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको बंद करते हैं और अपनी शीट के में अंदर जाकर शीट में जाके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते, ठीक है जी। ये उनका कॉन्टैक्ट मेथड आ गया, ठीक हो गया, ये डबल आ गया, इसको सिंगल कर देते हैं, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ गई सबको, मैं बताता हूँ भाई डीए क्या होता है, मैं बताता हूँ। स्टॉप शेयरिंग जी, आप सब लोगों को शीट बनानी आ गई है, किसी का कोई क्वेश्चन आया तो वो पूछ ले। एक बंदे ने हैंड रेस किया हुआ है, वो भी बता दें, इजाज भाई ने, इजाज भाई आपने हैंड रेस किया हुआ है, पूछ लीजिए प्लीज। जी आ रहे नजर और समझ भी आ रही है सबको, ठीक हो गया, ठीक हो गया, हैंड हैंड नीचे कर लें आप। अच्छा जी तो इस तरह हम लोगों ने अपनी वेंडर शीट तैयार करनी है। अब आते हैं जी, डीए क्या होता है, DR क्या होता है, रेफरिंग डोमेन क्या होता है, ट्रैफिक क्या होता है, ठीक है, तो अब उसकी तरफ आते हैं। ओके जी, सबसे पहले डीए क्या होता है, डीए होता है जिस तरह परसेंटेज होती है ना, ये भी आउट ऑफ 100 होता है, परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 होती है, तो डीए भी जो है वो आउट ऑफ 100 ही होता है। अच्छा अब ये होता है क्या, मैक्सिमम डीए क्या होता है, हो सकता है 100 और मिनिमम क्या हो सकता है 0। अच्छा अब डीए होगा क्या, डीए होता ये है कि जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन सबकी एक अथॉरिटी होती है, मतलब उनका एक इम्पैक्ट है, एक उनका इन्फ्लुएंस है, जैसे हम लोग कहते हैं जी MNA का बड़ा असर है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसी तरह वेबसाइट्स का भी असर होता है जी, बिल्कुल चीट ऑनलाइन होगी, या आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या आप किसी के साथ भी जो है वो शेयर कर सकते हैं, किसी को भी सेंड कर सकते हैं, ये हम लोग ऑनलाइन इसलिए बनाते हैं, ये हम लोग शीट इसलिए बनाते हैं कि ताकि फहद भाई ओके म्यूट हो गए। अच्छा ये शीट हम लोग इसलिए ऑनलाइन बनाते हैं कि हमारे पीसीज अगर उनकी स्टोरेज में कोई मसला हो या पीसी
डेड हो जाए या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये हमारी शीट जो है वो ज़ाया ना हो, हमारी मेहनत ज़ाया ना हो, हम लोग इसको दोबारा जो है वो देख सकें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा था डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। तो जिस तरह हर बंदे का एक इन्फ्लुएंस होता है, हर बंदे का एक अथॉरिटी होती है, हर बंदे की एक इन्फ्लुएंस होता है मतलब, तो इसी तरह हर वेबसाइट का कुछ ना कुछ 100 में से कुछ उसकी अथॉरिटी होती है। ठीक है, ये हम लोग कैसे चेक करते हैं? ये हम लोग AHREF टूल है उसके साथ, उसके जरिए चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि 5 मिनट्स के बाद ओके, हमारा टाइम जो है वो पूरा हो रहा है, तो मैं जल्दी से इसको रैप अप कर रहा हूँ। बाकी जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उनको आंसर कर दूंगा। मैंने एक्चुअली ट्रैवल करना है सियालकोट के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। तो ऑलमोस्ट क्लास का लेक्चर तो पूरा हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता के तो इंशाल्लाह इसको एंड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आंसर कर दूंगा। तो डोमेन अथॉरिटी ये होते हैं, 100 में से डोमेन अथॉरिटी होती है वो कोई इम्पैक्ट होता है उस वेबसाइट का, वो कितना इम्पैक्ट है वो हम लोग चेक करते हैं AHREFS टूल के साथ। कल हम लोग इंशाल्लाह AHREFS टूल को एक्सप्लोर करेंगे, वो कहाँ से बाय करना है, कितना बाय करना है, कितनी देर के लिए चाहिए होता है, और उसका क्या फ़ायदा है, उसका क्या नुकसान है, क्या हमें AHREFS टूल बाय करने की ज़रूरत है या नहीं है, या हम लोग बनी बनाई वेंडर शीट ले लें, क्या करना है, ये सारे सवालों के जवाब दें वो आप लोगों को कल के लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अभी आप सब लोगों की वेबसाइट आप सब लोगों की ये असाइनमेंट है कि आप लोगों ने 30-30 वेबसाइट्स की, जिस तरह मैंने आप लोगों को शीट बनाना सिखाई है, आप लोगों ने वेबसाइट की शीट बनाकर असाइनमेंट के तौर पर मुझे सबमिट करवानी है। मेरे पास शीट बनी हुई पड़ी है, मैं आप लोगों से क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को काम करना आए, वरना मैं आप लोगों को डायरेक्ट शीट भी दे सकता हूँ। तो मैंने आप लोगों को मछली कहते हैं पंजाबी में खाना नहीं सिखाना, मैंने आप लोगों को मछली पकड़ना सिखाना है, काम करना सिखाना है। तो आप लोग जब तक काम खुद से नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को काम करना नहीं आएगा। साथ साथ करते जाएंगे तो साथ साथ हम लोग एंड तक चलेंगे। अगर आप काम कल पे छोड़ देंगे, परसों पे छोड़ देंगे, असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, आप लोगों को नुकसान होगा कि आप लोग पीछे रह जाएंगे, दैट्स इट, और कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे इजाजत दीजिए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो 2 मिनट है मेरे पास, आप कर सकते हैं, चैट में कर लें, अनम्यूट करके कर लें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं मुझे। मुझे बता दें ताकि फिर हम लोग मैं जो है ना वो मीटिंग एंड करूं। भाई मेरा एक्सपीरियंस सर, मेरा जी जी पूछे, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर अगर कोई शीट जो है या कोई वेबसाइट जो वो यानी ज़्यादातर जो है वो बैकलिंक पे जो है वो रैंक हो सकता है, या जो SEO पे जो यानी लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू या जो वो तरीके हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा किस चीज़ में है कि वो यानी गेस्ट ब्लॉग के जरिए ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों के। जी 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 और कोई क्वेश्चन कर रहा है दरमियान में? ये जो आपने बताई है कि वेबसाइट तैयार करनी है 300 के करीब, ये सिर्फ मतलब कि 300 सिर्फ हेल्थ की करनी है? फिलहाल मैंने 30 कही है, 300 होंगे, 30 कही है, ताकि आप लोग 300 आपने कहा ना कम कम हो आपका, नहीं वो हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज की करेंगे। अच्छा, मैं पहले फहद के क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि अच्छा, ये डू फॉलो लिंक, बैक फॉलो लिंक, ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें आगे आएंगी, मैं आप लोगों को सब चीजें बताऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, परेशान नहीं होना, सबको सबके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अच्छा, फहद ने भी क्वेश्चन किया है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है और बहुत सारे तरीके हैं SEO करने के, तो हम लोग यही क्यों चूज करते हैं? अच्छा, इसका आंसर ये है, एक्चुअली ये भी SEO ही है, ये SEO में से, SEO की बहुत सारी टेक्निक में से ये एक टेक्निक है। ओके, ये बात समझ में आई फहद? जी जी बताएं बताएं जी। और जो दूसरे तरीके हैं, दूसरी स्ट्रेटजीज हैं, वो भी असरअंदाज होती हैं, वो भी उतनी ही जरूरी हैं, लेकिन
जो सबसे जो पावरफुल टूल माना जाता है वो हमेशा से बैकलिंक और ये गेस्ट ब्लॉगिंग जो है उसको माना जाता है, इसलिए हम लोग ज्यादा इस पर तवज्जो देते हैं और इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कर सकते हैं, गूगल एड्स के साथ आप कर सकते हैं, फेसबुक एड्स के साथ कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग जिस तरह की भी, लिंक्डइन, ट्विटर, सोशल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस तरीके से भी आप करना चाहें, ट्रैफिक आप लोग लेकर आना चाहिए, आप लोग लेकर आ सकते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप अब आपकी मर्जी है कि आप सस्ते कुछ तरीके होते हैं, कुछ थोड़े महंगे होते हैं, इस तरह करके बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे जैसे आप लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे तो आप लोगों को मजीद नई चीज़ें आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। आप लोग सब लोगों का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको मिलकर जो है कामयाबी के लिए कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।